क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर जो हमारा डेटाबेस का है वो स्ट्रक्चर समझिए। देखिए डेटाबेस का जो आपका डेटाबेस है दो चीजें, दो पार्ट में है। पहला आपका डेटाबेस इंजन, क्या है डेटाबेस इंजन, जो आप सिक्वल सर्वर डालते हैं ये जो आपको दिखता है ये आपका डेटाबेस इंजन, ठीक है ना, सिक्वल सर्वर होता है, दिख रहे सारे के सारे सिक्वल सर्वर है। दूसरा होता है मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है, ये सर्वर नहीं होता है, मैनेजमेंट स्टूडियो जो भी आप यूज करते हैं वो सर्वर नहीं होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस, क्या होता है ग्राफिकल इंटरफेस, जहां से हम अपना डेटा जो आपका जैसा था वैसा मेरा आ गया। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे डेटाबेस मेरे पास आ चुके, आ गया। तो ये जो है क्या है, ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है जहां से हम सर्वर को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं मैनेज करते हैं। जब कनेक्ट करते, जब इसे ओपन किया तो कनेक्ट करते समय यही पे आपको दो चीजें होती है, सर्वर टाइप, सर्वर के कई टाइप होते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, एनालिसिस सर्विसेज हो गया, रिपोर्टिंग सर्विसेज हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विसेज हो गया, उसके बाद अजूरे का भी SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम होता है, वो भी होता है, कई सारे यहाँ पे और भी हो सकते हैं। लेकिन आप जो हम यहाँ भी आपकी जो बात हुई है वही है डेटाबेस इंजन की, ठीक है, और इंजन को इसी के जी साथ जी जोड़ी है। अब इंजन में जो सर्वर नेम होता है उसको दे ध्यान से देखिए, ये जो IPT इंडिया है दिस इज SQL सर्वर, राइट, और ये जो IP/IPT है वो क्या है हमारा, ये हमारा मेरा सिस्टम का नेम है। तो अब कंपनी में जाइएगा तो कंपनी में जो आपका सर्वर होगा वो सर्वर आपके पीछे थोड़ी होगा, वो तो सर्वर किसी न किसी किसी और पीसी के अंदर होगा, जी समझे, किसी और पीसी के अंदर होगा। तो ये जो वहां उसका पाथ, क्योंकि तो पाथ देना जरूरी हो गया, ठीक है, तो path/server name, राइट। उसके बाद यहाँ अभी जैसे कि मेरा लोकल होस्ट है, मतलब कि मेरे पीसी पे मेरा है और मैंने इंस्टॉल करते समय इसकी पासवर्ड नहीं डाली, इसलिए विंडोज सिस्टम चल रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर में आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा SQL सर्वर एप्लीकेशन या फिर और भी जो बहुत सारे पासवर्ड होंगे वो पासवर्ड के टाइप होंगे। हाँ ये है, लेकिन कंपनी के अंदर में नहीं होगा, कंपनी के अंदर में एक ID पासवर्ड होगा, कंपनी ऐसे ऐसे कर देगा जो आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है वो आपका डेटाबेस एक्सेस कर लेगा, समझे। इसलिए ये आपका पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रिप्शन में ऑप्शनल और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि तो बहुत सारे सर्वर के साथ हम सेटिंग्स वगैरह करेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए जहां भी कनेक्ट करेंगे वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इससे पहले वाले में नहीं था, तो आप देखिए ये जो मैंने खोला है वो खोला है SQL सर्वर 2.20, समझे, बट इससे पहले जो मैंने खोल रखा था वो 18 खोला, 18 में ऐसा सिस्टम नहीं है। आपका लेटेस्ट है 22 होगा आई थिंक, नहीं ये नहीं, वो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ जब सर्च करके ओपन करते हैं ना वहां पे लिखा होता है, तो लेटेस्ट आपने आपका तो 22 हो गया, 20 होगा, 20 हो गया, 22 होगा, ऐसे कुछ 16 नहीं, कब कब इंस्टॉल किया आपने, तो 22 होगा। हाँ आप जब इसको स्टार बटन दबाइए और सर्च कीजिए सिक्वल, यहाँ लिस्ट में आएगा, तो यहाँ स्टार्ट में क्लिक यहाँ पर आएगा, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो करके आ रहा होगा, 20 आ ही होगा, 20.20 होगा, 20.2 होगा, 20 होगा आपका लेटेस्ट 20, दो जुलाई
वर्जन है, इस कारण से ऐसा आ रहा है। फिर मैं इसे कनेक्ट करूंगा, ये हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, देखिए सबसे पहला डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, ये आपका सर्वर ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन है, मैनेजमेंट है, और ये आपका इवेंट प्रोफिल्टर बोला जाता है, ठीक है ना। इन सब का अलग अलग यूज है। सिक्योरिटी के बाद है जहां से आप अपने सर्वर सिक्योरिटी को चेंज कर सकते हैं, सर्वर रूल को चेंज कर सकते हैं, कौन आईडी जो है वो क्या करेगा, ठीक है ना सर, वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं सर्वर ऑब्जेक्ट में, तो सर्वर ऑब्जेक्ट में आपका बैकअप डिवाइस कौन सा है, लिंक सर्वर कौन सा है, अगर कोई सर्वर लिंक है तो वहां भी यूज किया जाता है, कोई और सर्वर लिंक होता है तो, ठीक है ना। ट्रिगर्स, यहाँ से सर्वर के ट्रिगर्स वगैरह मैनेज करेंगे, तो सब पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे को छोड़ते हैं, हम डेटाबेस पे चलते हैं, ठीक है। डेटाबेस में हमें पहले से प्री डिफाइंड सिस्टम डेटा होता है, जैसे एक पहले मास्टर होता है जो आपको, ऐसे मास्टर डेटा होगा जहाँ पे आपको कुछ टेबल्स आपको मिलेंगे, सिस्टम टेबल्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे कॉल बैक वगैरह और मॉनिटर वगैरह, ये सब चीजें अपलोड करता है मास्टर डेटा। उसके बाद आता है आपका मॉडल, जो भी आपके मॉडल से रिलेटेड टेबल्स है ये यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड होता है। सिस्टम जब भी इवेंट करता है वो कहाँ रखेगा, तो इन सब चीजों में रखता है, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम जनरेटेड टेबल है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, ये सिस्टम जनरेटेड होती है आपको, ये सारे सारे सिस्टम टेबल्स है। बैकअप सेट जो भी आप मॉनिटरिंग करते हैं वो सब यहाँ टेबल में जाए, ठीक है, ये सब इस टेबल में जाए, जो भी करते हैं तो ये सिस्टम टेबल होता है। अब सिस्टम टेबल को सोर्स सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फिर आता है आपका आपका अपना डेटाबेस, फिर आता है डेटा से डेटाबेस स्नैपशॉट, जहाँ पे अब इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे डेटाबेस के स्नैपशॉट हम डालते हैं जो कंपनी जो डालती है, ताकि कल के डेट में डेटाबेस को कुछ समझना हो तो स्नैपशॉट में पता चल जाता है, ठीक है। तो वो एडमिन टीम वगैरह डालती है, उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे डेटाबेस, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास है एसटी डेटाबेस, एसटी डेटाबेस। अब इसको मैंने बनाया, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा है क्यूरी के माध्यम से। अब दोनों समझते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस जैसे आप जानते हैं कि राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया, जैसे कि मैंने आईपीटी दे दिया, एंड मैंने अब यहाँ पे ऐड मत कीजिए। ऐड कब कीजिएगा, ऐड हम तब करेंगे जब मुझे मल्टीपल डेटाबेसेस बनाने हो तो, बट यहाँ मल्टीपल नहीं बनाना है, यहाँ से मुझे एक ही बनाना है, जस्ट ओके। यहाँ देखिए आईपीटी का दूसरा, अगर मान अब मान लीजिए इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते, क्या कर देते हैं, डिलीट डिलीट हो गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू क्यूरी पे जाते हैं और यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे हम डेटाबेस बनाने का, क्रिएट क्यूरी होता है, कोई भी बनाने का क्या होता है, टेबल क्रिएट होता है, चाहे टेबल क्रिएट करें या डेटाबेस क्रिएट करें, क्रिएट, तो क्रिएट डेटाबेस नेम, क्रिएट यहाँ पे डेटा बेस और डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो डेटाबेस नेम मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे आईपी, सिंपल सा, यहाँ पे इसको एक्सक्यूट कीजिए, ये देख कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे आया नहीं क्योंकि इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तब आएगा, या फिर रिकनेक्ट करना, ठीक है, आया आई पी। तो क्रिएट डेटाबेस नेम दीजिए। अब मैंने डिलीट करने के लिए क्या किया था, राइट क्लिक कर डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, ध्यान देखिएगा डिलीट डेटा होता है, क्या होता है, डिलीट डेटा होता है, जैसे आपने क्रिएट कर दिया, आपसे क्रिएट कर डिलीट नहीं, डिलीट इंसर्ट का अपोजिट आता है, क्रिएट का अपोजिट नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या डालना होगा, ड्रॉप। मैं भी कई बार ये कर रहा था कि मैं क्रिएट की जगह पे डिलीट डेटाबेस लिख रहा था जो कि गलत है, ठीक है, यहाँ दिया ड्रॉप और यहाँ पे अपना डेटाबेस डेटाबेस और यहाँ पे डेटाबेस का नेम। अब यहाँ पे रेड आ रहा है ना, यहाँ पे इसको रोकेंगे और यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दिख रहा है, बट एक बार इसको रिकनेक्ट करेंगे तो डेटाबेस आपका हट जाएगा। टाइम लगाता है, बट हम एक बार रीसेलेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, हट गया, समझे। तो यहाँ,
हाँ, तो दो बार दो चीज आपने सीखा, आप डेटाबेस कैसे बनाएंगे और कैसे डिलीट करेंगे, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर आपका जो सर्वर रोल है, आपके आईडी पे, जो आपका आईडी है पब्लिक, उस आईडी पे अगर ये परमिशन दिया हुआ है कि आप सर्वर को डिलीट कर सकते हैं, तभी आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज डिलीट नहीं कर सकते। जो आपका लॉगिन होता है, जैसे मेरा लॉगिन क्या है, IPTN, ये IPT/IPTN, ये लॉगिन है मेरा, तो इस पे मेरा, ये देखिए यहाँ पे सर्वर रोल, ठीक है, तो मेरा सर्वर रोल पब्लिक है और सर्वर यहाँ पे इस वजह से एडमिन, ठीक है आपको, सेटअप एडमिन, ये सब मैं इसका रोल अगर सेट कर दूंगा तो मैं सब सब कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं पब्लिकली जो करना है कर सकता हूँ, यहाँ पे SYS एडमिन ले सकता हूँ, ठीक है, तो परमिशन है SYSP एडमिन के कारण मैं डेटाबेस डाल सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से रोल हटा दिया तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार अगर डेटाबेस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक बार देख लीजिए, राइट। यहाँ सिक्योरिटी के अंदर जब जाइएगा तो आपका ये आएगा, आपका आईडी आएगा, लॉगिन आएगा, जिससे आपने लॉगिन कर रखा है वहां पे, ठीक है ना, यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर, इस पे डबल मत कीजिए, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, इस पे तो इस तरह का एक आएगा सॉल्वर, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रिवेंशन है, सिक्योरिटी सेफ्टी, ओल्ड पासवर्ड वगैरह डालना तो डाल सकते हैं, या फिर कोई मैप क्रिएट करना है इस पर डिसेबल है, यहाँ से मैप कर सकते हैं, तो कुछ है नहीं, बट आपके पास कोई रोल वगैरह है तो यहाँ डाल सकते हैं। डिफॉल्ट डेटाबेस मास्टर है तो डिफॉल्ट डेटाबेस मास्टर का हटा के मैं SD डेटाबेस डाल सकता हूँ, कि डिफॉल्ट डेटाबेस यही रहे, ये सब चीजें सेटअप कर सकता हूँ जनरल। देन आपका सर्वर रोल, इसको ये बंदे के पास किसका रोल है, बल्क एडमिन का रोल है, किसका रोल है, तो ये चीजें आप यहाँ से होगा, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है पब्लिक अनचेक कर दिया जाता, फिर क्या पड़ेगा, टेबल वगैरह एक्सेस ही नहीं कर पाएगा बंदा, पब्लिक तो होना ही चाहिए, पब्लिक तो होना ही चाहिए, पब्लिक पब्लिक अगर हटा दीजिएगा तो फिर वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाकी सारा SYSF सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, डेटा एक्सेस नहीं कर। तो ये कंपनीज जो है ना डिफाइन करती है, जो सर्वर एडमिन होते हैं वो जो आईडी बनाता है सर्वर पे, वो डिफाइन करता है कि किस बंदे के पास किसका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नहीं, उधर हेडिंग से हो गया, तो कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, डेटाबेस में नहीं होगा। और एक काम कीजिए, एक चीज और कीजिएगा, जब भी आप कोई सर्वर डेटाबेस को इंपोर्ट करते हैं ना, इस चीज का ध्यान रखिए कि डेटाबेस के अंदर जो कॉलम के नेम है ना, उससे स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर जैसी चीजें ना हो, उसका ध्यान रखिए। आप, या हो सकता है जो आपने सर मैपिंग में प्रॉब्लम हो, वो मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और डेटाबेस को ड्रॉप कर लिया, तो आपने सीखा कि अगर मैं ये डेटाबेस, अभी जितने भी मैं कोडिंग लिखूंगा ना, जो भी SQL कोड करूंगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिखूंगा, ठीक है, तो ड्रॉप कर दिया था एक। हाँ, यहाँ पे क्रिएट नहीं, खोलिए मत, मैं भेज देता हूँ आपके इसके लिए, कभी होता है ना देखने के लिए। तो यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा और डेटाबेस को ड्रॉप करना सीखा, राइट। अब हम बात करते हैं टेबल क्रिएशन का, हम टेबल कैसे क्रिएट करें, इम्पोर्ट तो करते ही है, हम इम्पोर्ट का चैप्टर अगले चैप्टर भी रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं क्रिएट करने,
मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है, अगर टेबल है बहुत सारा पहले से, ठीक है, मुझे इसके अंदर एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं AYN के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए टेबल के ऊपर, फिर न्यू में जाइए, फिर यहाँ पे टेबल का नेम दीजिए, ठीक है, टेबल का नेम दीजिएगा, यहाँ पे ओके कीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना टेबल बना सकते हैं। तो सारे फील्ड नेम यहाँ पे डिफाइन है, जैसे कि मैंने डाला कि सीरियल नंबर जो कि नैव कह रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे नेम नैव कह रहा है, अब यहाँ पे 10 करेक्टर तो बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ, मैं यहाँ से ही बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, सिटी हाँ कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर का लिस्ट मैं दूंगा पढ़ने के लिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों होगा। जी, एन कैसे चलेगा, एन बैटरी कैसे चलेगा, सबका एक अपना अपना रोल है, रोल क्या है कि दोनों नैव कैर और सॉरी नैव कैर और ये आपका वैर कैर दोनों डेटा सेट होता है, दोनों में लिमिटेशन का फर्क होता है, और यहाँ पे मैंने इसको इंड कर दिया, तो यहाँ से डेटा आप डिफाइन करेंगे, जो हेडिंग जो है डालिएगा उसके साथ डेटा कैर, उसका यहाँ पे नाउ लर्न करना नहीं करना है बताइए, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके उसको राइट क्लिक करके इसको मैं सेट प्राइमरी की कर दूंगा, क्या करूंगा प्राइमरी की, ये प्राइमरी की सेट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह के चाबी का निशान है, अब इसको मैं क्लोज करूंगा सेव करूंगा यहाँ, तो आप देखिए एक टेबल आ रहा है, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या दिया था मैंने, रिफ्रेश ये टेबल में डेटा वन हो गया, तो मैं राइट क्लिक करके टेबल में यहीं पे डेटा रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं टेबल में डाला ही नहीं था, यस कर दिया था, तो टेबल में मैं डाल देता हूँ, ये वाले ठीक है, फ्रॉम ओलिविया AYN, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इसको स्क्यूब करता हूँ, ये आ गया नेम सिटी अमाउंट आ गए, ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस टेबल को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डिलीट कर दीजिए, आपका टेबल डिलीट राइट, अब मुझे इसी टेबल को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट से ही बनता है टेबल, टेबल का नेम AYN, अब ब्रैकेट के अंदर में मुझे उसके फिल डिसाइड करना, ठीक है, जैसे सीरियल नंबर स्पेस इंट यहाँ पे कॉम, अब यहाँ पे यहाँ हो गया, अब यहाँ पे नेम यहाँ पे वी कैर या नव कैर यहाँ पे 50 और यहाँ पे हाँ एक मिनट एन कैर था ना, वी कैर नहीं होता, वैर कैर होता है, एन कैर दे सकते हो, गलती हो गई, एन भी कहा एन वैर बोल रहे ना, इस तरह का ये भी दे सकते हैं, जैसे लिखिएगा ना वो अपने आप ब्लू हो जाए, अब बोलेंगे कि नेम ब्लू है सिटी क्यों नहीं ब्लू है, दिख रहा है सर, सिटी अमाउंट ब्लू नहीं है, ये ब्लू है, जो नेम होता है ना वो ब्लू नहीं होता, हाँ सही सही पढ़ रहे आप, ठीक है, अब मैं इसको स्क्यूब किया, कमांड सक्सेसफुली हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AYN,
ठीक है, इस पर बिल्कुल सिलेक्ट किया और इस पर स्क्रिप्ट कर आ गया। बिल्कुल तो टेबल क्रिएट करने का कोड ये रहा, भेज बिल्कुल दिया मैंने। तो हमने टेबल क्रिएट करना सीखा। अब टेबल क्रिएट हुआ ना, टेबल डिलीट भी तो होगा। जी तो यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ टेबल, यहाँ पे टेबल और टेबल नेम AYN, सिंपल ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्क्रीन डिलीट हो गया। ये आपका टेबल है। तो हमने टेबल क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना सीख लिया, जी ग्राफ के लिए भी और ट्रैक के लिए। जी हाँ, वीक डे में नहीं, सर वीक एंड में नहीं निकलेगा, वीक डे पे निकल रहा है। कोई बात नहीं, एक डेमो क्लास सुनिएगा, एक डेमो क्लास दिखा दीजिएगा। अगर डेमो क्लास में सब सर्टिफाइड है देन हम प्रोसीड कर लेंगे आगे। डेमो क्लास में लग गया है कि मैं इनको नहीं पढ़ा सकता हूँ तो कोई बात नहीं, क्या हम इसलिए पहली क्लास हम आप पैसा पे कर रहे थे। मैं उसी समय, अगर मैं पैसा का लालची होता तो मैं उसी समय बोलता कि भेजता, बोला भेज दीजिए भेज दीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको, हाँ, मैंने आपको बोला कि वेट कीजिए, पहले एक क्लास देखते हैं हमारी आपकी बॉन्डिंग बनती है कि नहीं बनती है, आफ्टर दैट हम तो मिलती है ये सब सबके साथ। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें अब क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, फिर हिस्टोरिकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसकी थ्योरी नहीं समझिएगा तब तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाइए क्या करना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर, हाँ, तो थ्योरी के लिए आपको जो है दूंगा। तो अभी जैसे मैंने आपको भेजा है, वो भेजा है एसक्यूएल का डेटा टाइप, ठीक है। अब एसक्यूएल से रिलेटेड जो फंडामेंटल चीज आपको जाननी है तो उसके लिए भी मैं आपको अभी एक भेज रहा हूँ, एक और क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड की फाइल। एक फाइल तो मैं डेटा टाइप के भेज दिया जहां पे सारे डेटा टाइप दिए गए हैं। अब मैं आपको एक फाइल, एक फाइल, तो नहीं, सिक्वल बहुत, सिक्वल अभी नया नया, सिक्वल जो है नया नया ट्रेंड में आया, बट सिक्वल को बहुत पहले से है। मैं तो 2005 से यूज कर रहा हूँ। पहले क्या था मैं बताता हूँ, पहले क्या था कि मोस्टली जो डेटाबेसेस होते थे वो डेटाबेसेस कंपनी के अंदर होते थे, डेटा की एक्सेस सबके पास नहीं होता था, और एनालिसिस करने के लिए एक्सेल था, सर एक्सेल पे एनालिसिस होता था, राइट। और उसमें क्या होता था, एनालिसिस करने वाले स्टाफ थे उनको सर्वर टीम से उनको मेल डेटा मेल कर दिया जाता था, वो अपना बैठ एनालिसिस करते थे। अब जो है BI का टूल आ गया जिसमें डायरेक्ट हम SQL से लिंक कर सकते हैं, एक्सेल भी अपग्रेड हो गया तो डायरेक्ट SQL से डेटा को लेके आ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो बार बार जो मेलिंग सिस्टम था उसको बंद करके कंपनी ने क्या किया, अब SQL भी अपने आप को अपग्रेड किया, तो स्कीमा वगैरह निकाल दिया कि भाई मुझे किसी को एक डेटाबेस में मुझे ये ही करना है, एक्सेस देना है, वो सारा कर देता है। तो बंदा वहां से अपना एक्सेस लेते रहता है। तो वो डेटाबेस, एक उनका जो डेटाबेस का टीम होता था, डेटा मैनेजमेंट टीम जो होता था,
वो टीम की काम कम पड़ गई, डेटा अपने आप मैनिपुलेट हो रहा है। पहले चीजें नहीं होती थी, पहले चीजें अब कुछ वेबसाइट बनी, वेबसाइट से आने लगा, वेबसाइट पर लोड पड़ने लगा, सर्वर पर लोड पड़ने लगा, तो इसलिए एक्सेस दे दिया। तो आपको मैं चीट एक आपको जो है ना एक्सपेल का चीट शीट्स भेजा है, उसमें एक्सपेल से लेकर कुछ क्विक इंफॉर्मेशन है आपके, वो देख लीजिएगा। ठीक है, डेटा टाइप जो था उसको आप एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी एसक्यूएल क्या है कैसे है ये सब चीजें तो गूगल पे अवेलेबल है, अब मैं बैठ के किताब पढ़ लूँ। जी क्योंकि ये सब चीजें मैं क्लास से बताता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको देखना है तो गूगल, पहले इसको पढ़ाया जाता था बच्चों के पास, सोशल मीडिया था, गूगल का एक्सेस नहीं था, इंटरनेट एक्सेस नहीं था, उसको तो जानकारी चाहिए लिखने के लिए एग्जाम में, तो टीचर पढ़ाया करता था, अब तो सब जो है मिल जाता है। हाँ ठीक ठीक है, डेटा टाइप भेजा मैंने आपको कि क्या क्या डेटा टाइप है, क्या लिमिटेशन है वो भेजा, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है,